नेक्स्ट पेज पे एकदम वैरायटी सिक्स मेंटेनेंस। ये देखो पजल के जैसा है ना, ये हमें मेंटेनेंस मतलब फास्ट ही करना है। अगर आपका आपको आता है तो फटाफट कर दें, नहीं तो फिर मैं आपको कैलकुलेशन करके सिखा दूं। देखो ये देखो 80 माइनस 35 इज इक्वल टू 45। 80 में से 35 माइनस करो तो 45 आएगा। देखो करते हैं हम 80 माइनस 35, 5 से 0 में से 5 कट नहीं होगा, बराबर ही में तो 10 होगा, यहाँ पे 7, चल 10 माइनस 5 इज 5, आई 7 माइनस 3 इज 4, 45 राइट। चलो 45 प्लस 35 इज इक्वल टू 10 क्या होगा, 5 प्लस 5 10, 10 का 0 फिर 3 ओवर 1 आता है, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 8 वाला जो नंबर है ना वो कॉमन है, और बाकी के जो ये प्लस माइनस होते हैं आंसर मिलते हैं ना वो इंटरनल चेंज है, कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अब करते जाओ फिर आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है, फिर एकदम इजी आप गेस कर सकते हो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है आप करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा ना। नेक्स्ट बी 50 प्लस डैश इज इक्वल टू डैश, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं है, और यहाँ पे देखो यहाँ दो नंबर लिखे हैं, यहाँ पे 75 माइनस डैश इज इक्वल टू 50। अब 75 में से क्या माइनस करेंगे तो 50 आएगा, तो मैंने आपको सिखाया था बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है, फिर 75 में से 50 माइनस 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 5 2, तो 25 आंसर। अब देखो इसका क्रॉस चेक करो, 75 माइनस 25, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 2 5, 50 है मतलब हमारा ये वाला राइट है। चलो अब ये देखो 50 प्लस 25 है, इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 0 प्लस 5 इज 5, 5 प्लस 2 7, 75 मतलब देखो यहाँ 50 है तो आंसर में 75 है, यहाँ 25 कॉमन है, यहाँ 75 है तो यहाँ आंसर में 50 है, मतलब ये दोनों नंबर एक घूम रहे हैं और बीच वाला कॉमन रह गया है। ओके नाउ थर्ड देखो 100 माइनस 60 डायरेक्ट कर सकते हैं ना, चलो 0 माइनस 0 इज 0, अब 1 नहीं लो 11 लो, 11 माइनस 6 करो फिंगर पे आप, हम करते हैं चलो 7 8 9 10 11 कितना है 5 हुआ 50। देखो 60 प्लस 50 इज 110, अब 50 प्लस 60 को 0, 6 प्लस 5 11 110, देखो ये नंबर भी है ये है ये है ये है सेम सेम है, मतलब बीच वाला को मन बाकी दोनों नंबर घूमते रहते। चलो नेक्स्ट 120 इज इक्वल टू 320 मतलब क्या ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा 320, और इसमें है 320 माइनस 120, तब पहले 320 माइनस 120 कर डायरेक्ट करते हैं, 0 माइनस 0 0, फिर यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है तो 0, फिर 3 माइनस 1 2, 200 है। अगर डायरेक्ट ये नंबर हम यहाँ पे लिख दें तो चलो गेस करते हैं 200 प्लस 120, चलो इसको प्लस करें 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3 है राइट, मतलब ये आंसर हमारा राइट है। अगर आप 320 माइनस 120 करोगे तो आपका आंसर 200 आएगा। अगर आप थोड़ा अटेंशन दो मेंटली सोचो तो वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी स्मार्टनेस की जरूरत है। ओके पेज नंबर 87 प्रैक्टिस टाइम, देखो यहाँ पे स्टोरी सॉन्ग्स है पेज नंबर 87 में, वो वन बाय वन हम सीखते जाएंगे और करते जाएंगे, ठीक है। इंदुस पेंसिल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितनी लॉन्ग है 15 सेंटीमीटर, ज्योतिष पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर, ज्योति की पेंसिल है 8 सेंटीमीटर, वूज पेंसिल इज
माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को कट करेंगे। तो फर्स्ट वन विल राइट 15 सेंटीमीटर। किसकी है? हिंदुस्तान। फिर इसमें से ज्योति की पेंसिल माइनस करेंगे, सेंटीमीटर ज्योति पेंसिल। फिर क्या है? चपाती में 25, फिर दाल में 15 मिनट्स। इन दोनों का प्लस करो, 5 + 5 = 10, कैरी ओवर 1 0, यहाँ पे 1 + 2 = 3, 3 + 1 = 40 मिनट्स टोटल टाइम। 40 मिनट्स टोटल। ओके, समझ में आ गया? यस स्टूडेंट्स, पेज नंबर 87 में क्वेश्चन नंबर 4, चंचल सेल्स फुल सर्कल्स इन 2 डेज, शी सॉ सम रेड ब्लू एंड ग्रे कलर्स इन दस। चंचल फुल सर्कल्स से सॉल्व कर रहे, सही कर रहे हैं। 2 डेज में वो रेड ब्लू रेड स्वेटर सेल करिए। देखो कितने हैं, रेड 38 फर्स्ट डे, सेकंड डे पे 40, फिर ब्लू फर्स्ट डे पे 66, सेकंड डे पे 23, ग्रे फर्स्ट डे पे 74 एंड सेकंड डे पे 89। नाउ लुक, हियर आर सम क्वेश्चंस। हाउ मेनी ग्रे स्वेटर्स डिड चंचल सेल इन 2 डेज? 2 डेज में वो ग्रे स्वेटर्स कितने सेल करती है? हाँ भाई, तो ये ग्रे स्वेटर्स फर्स्ट डे के और सेकंड डे के, हम इसका प्लस करके इसको आंसर दे सकते हैं, राइट? चलो 9 + 4 = 13, कैरी ओवर 1 1 + 7 = 8 8 + 8 करो 9 10 11 12 13 14 15 16 160। कितने सही कर रही है वो? 160। ओके, नाउ सेकंड, डिड शी सेल मोर रेड स्वेटर्स देन ब्लू स्वेटर्स इन 2 डेज? 2 डेज में ब्लू एंड रेड कर टोटल करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने बोला है कौन से ज्यादा सेल कर रहे हैं। मोर देन, मोर रेड स्वेटर्स देन ब्लू स्वेटर्स, ब्लू से रेड स्वेटर्स ज्यादा सेल कर रहे हैं। तो चलो हम टोटल करके उसको दिखाते हैं। पहले रेड देखते हैं, 8 + 0 = 8, 3 + 4 = 7, फिर ब्लू 6 + 3 = 9, 6 + 2 = 8। अब क्वेश्चन क्या है? रेड स्वेटर्स, मोर रेड स्वेटर्स देन ब्लू, तो रेड 78 है, ब्लू 89 है, तो ये क्या हुआ ब्लू से? तो हम लिखेंगे नो आंसर। क्या आंसर लिखेंगे? नो।
कितने सेल कर रही है ऑन फर्स्ट डे, तो हमें इस दोनों का टोटल बताना पड़ेगा। चलो हम इधर बताते हैं कितने होंगे, 38 प्लस 74। और अभी कर सकते हो, चलो वी डू इट। 8 प्लस 4 12। ग्रे एंड रेड है ना, ध्यान रखना। कैरी ऑन 1। चलो 7 प्लस 3 10। 10 प्लस 1 11 112। तो ये मोर देन 120 हुआ या फिर लेस देन 120 हुआ? तो ये होगा लेस देन 120, 120 से कम है। ठीक, यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पे राइट कर देते हैं। हमारा राइट आंसर है लेस देन 120। ओके, देखो हाउ मेनी स्वेटर्स इन ऑल डिड शी सेल ऑन सेकंड डे। सेकंड डे पे टोटल कितने को सेल करती है? ये रहा सेकंड डे के तीनों, रेड ब्लू एंड ग्रे, इन तीनों का हमें टोटल करके उसको बताना है। फिर आगे क्वेश्चन है मोर देन 140 और लेस देन 140, टोटल करके हमें उसको बताना है कि मोर देन 120 होते हैं कि लेस देन 140, सॉरी 120 नहीं 140। चलो इस तीनों नंबर को अगर ऑरली करते हो तो फटाफट कर सकते हैं। देखो ना, वन सेंटेंस दो इक्वेशन, 9 प्लस 3 12 12 प्लस 0 12, तो 12 का हम 2 लिखते हैं यहाँ पे और कैरी ओवर का 1 यहाँ पे 10 से प्लस पे। चलो 8 प्लस 1 9 9 प्लस 2 11 11 प्लस 4 15, 152। ये मैंने ऐसे किया है, आपको ऐसे भी करके दिखा दो। देखो 89 प्लस 23 प्लस 40, मैंने यहाँ से क्यों लिया, ग्रे से बड़ा डिजाइन को करा चाहिए। चलो 9 प्लस 3 12 12 प्लस 0 12, कैरी ओवर सॉरी 2 यहाँ पे एंड कैरी ओवर 1 यहाँ पे 10 की प्लेस पे। 8 प्लस 1 9 9 प्लस 2 11 11 प्लस 4 15। आप ऐसे फास्ट करना चाहो तो ओरली कर सकते हो, तो क्या है 140 से मोर है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, और पेज नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 5, इज संगीता राइट। देखो पिक्चर में क्या है, एक शॉपकीपर है और संगीता अपने ग्रैंडपा के साथ वहाँ गई है। संगीता वेंट टू द मार्केट विथ हर ग्रैंडपा, वो अपने ग्रैंडपा से ग्रैंडपा के साथ मार्केट गई। आप भी जाते हो ना अपने दादा दादी के साथ मार्केट कुछ लेने? अभी तो नहीं जा रहे होगे इस सिचुएशन में, लेकिन पहले जाते थे ना। हाँ देखो, तो आप भी ऑब्जर्व करते होगे। देखो शॉपकीपर है, शॉपकीपर के पास क्या क्या है, ऑयल है, ऑयल का पर केजी 70 रुपीज़ है, मतलब ऑयल केन की प्राइस है 70 रुपीज़। फिर बिस्किट्स है, बिस्किट्स की प्राइस है 25 रुपीज़। फिर है घी, घी 1 kg 127 है। फिर है राइस, राइस का बड़ा वाला पैकिंग है 10 kg का, तो उसकी प्राइस है 150। देखो क्या होता है, शी लुक्ड एट द प्राइजेस एंड सेड टू हर ग्रैंडपा, वो सब प्राइजेस की तरफ देखती है फिर अपने ग्रैंडपा से बात करती है। नाउ लेट्स स्टार्ट हियर। ऑयल 70 रुपीज, बिस्किट्स 25 रुपीज, घी 127 रुपीज एंड राइस 10 kg पैक 150 रुपीज। ना घी इज रुपीज 102 रुपीज कॉस्टलियर देन बिस्किट, घी बिस्किट से 102 रुपीज कॉस्टलियर है, महंगा है। अब कैसे पता चलेगा, घी की प्राइस है 127 और बिस्किट की प्राइस है 100 180 125, तो हम इसका माइनस करें तो पता चल जाएगा 7 is 5 2 2 में से 2 0 and 1 आया 102, तो शी इज राइट, तो हम राइट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट प्राइस ऑफ ऑयल क्या है, ऑयल की प्राइस 7 एंड घी 127, ऑल टुगेदर
7 plus 0 is 7, 2 plus 7 is 9, and 1 is 197. Is more than 200? No, more than 200 nahi hai. So, we have to write a cross. Third one, price of key. Can it? 127. And take kg rice is less than 3. In dono ka plus kare, to orally kar lete hain. 7 plus 0 is 7. फिर 2 प्लस 5 7 एंड 1 प्लस 1 277 तो ये लेस से कितने का मिल रहा है तो ये आंसर इसका राइट ठीक है फोर्थ ऑल कॉस्ट ग्रुप इज 40 मोर देन अ पैक ऑफ बिस्किट ऑयल का जो प्राइस है वो बिस्किट की प्राइस से 40 रुपीज ज्यादा है करेक्ट चलो ऑयल क्या है 70 बिस्किट क्या है 25 तो यहाँ जीरो है तो 10 माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट और काउंट करो 10 में से 5 जाएगा 5 यहाँ पे आ 6 6 में से 2 जाएगा 4 तो 45 है तो क्या है कॉस्ट 40 मतलब 40 से ज्यादा है तो ये आंसर भी इसका राइट ऐसे दूसरे क्वेश्चंस बना के आप खुद दूसरी प्रैक्टिस कर सकते हो Students, our next page, page number 89, there are story problems. Just read one and then we will do another sums. Nisha and Sonu were making story problems. Nisha and Sonu milke story problem bana rahe. Dekho kaise Nisha said, 13 boys and 14 girls in a class. Ek class, 13 boys and 14 girls. सोनू कैन यू मेक ए प्रॉब्लम ऑन इट वो निशा से पूछ रही है सोनू निशा उससे पूछ रही है कि तुम बना पाओगे सोनू रोट देर आर 13 बॉयज एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देर ऑल टुगेदर एक क्लास में 13 बॉयज है एंड 14 गर्ल्स है तो दोनों मिलके कितने स्टूडेंट्स होंगे इस तरह से हम दूसरे में स्टेटमेंट लिख सकते हैं फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं फर्स्ट इसका कैलकुलेशन होगा 13 बॉयज एंड 14 गर्ल्स गर्ल्स कितनी हुई 14 है गर्ल्स प्लस फोर सेवन एंड वन प्लस वन टोटल स्टूडेंट्स आर ओके क्वेश्चन नंबर ए 36 मेन एंड 52 वुमेन वेटिंग फॉर देयर टर्न देखो पिक्चर में क्या है क्यू वर्ड्स की क्यू है ना वोटिंग करने जाते हैं लोग तो उसमें मेन एंड वुमेन की क्यू है 36 में से मेन है और 52 वुमेन है तो हम इसका स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे नाउ लेट्स स्टार्ट कैसे करेंगे देर प्लस 52
पेज नंबर 90 क्वेश्चन नंबर बी देखो क्या है पिक्चर में स्टूडेंट्स किड्स प्ले कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं उसका देखो वी हैव अवर मिड डे मील इन 20 मिनट्स एंड प्ले फॉर 15 मिनट्स वो उनको खाना खाने नाश्ता करने का टाइम 20 मिनट्स का है और प्ले फॉर 15 मिनट्स का है तो हम इसका क्वेश्चन कैसे बनाते हैं नाउ स्टार्ट वी और मी इन 20 मिनट्स खाने Total time. How much break time? Recess time. Total time. How much break time in total? Now we do total for that 20 minutes and lunch time, right? Then minutes with their short meal. Then 15 minutes and playing time. Then iska total karo 0 plus 5 is 5, 2 plus 1 is 3. Total break time. 35 total. Okay, it is very easy for you. Only prepare statement question. Okay, next C number. Look in the picture. The post office is 1 kilometer from Shahid's home. Shahid ke home se post office 1 kilometer hai. Dekho. And 2 kilometer from his school. Aur 2 kilometer uske school se dur hai. Kya dur hai? Post office. तो हम इसका स्टेटमेंट बना सकते हैं देखो द पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस निकालना है द पोस्ट ऑफिस इज एट अ डिस्टेंस From one kilometer at a distance from Shahid's And किसका डिस्टेंस ज्यादा है
पोस्ट ऑफिस से स्कूल या घर किसका डिस्टेंस ज्यादा है और बाय हाउ मच विच डिस्टेंस इज मोर मतलब 48 बनानास। एक डजन में कितने बनाना होते हैं? 12 बनानास। तो 4 डजन में कितने होंगे? 4 12 जा 48, राइट? 12 4 जा करते हैं ना, 12 के टेबल में 4 टाइम करो तो 48 बनानास आएंगे। या तो 12 4 टाइम 8 करो, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 तो 48 होंगे। एंड गिव वन टू ईच ऑफ हर फ्रेंड्स। वो 48 बनानास उसने खरीदे और हर एक फ्रेंड को एक एक देती गई। नाउ 13 बनानास वेयर लेफ्ट। बाकी उसके पास 13 बनाना बचे। हाउ मेनी फ्रेंड्स गॉट अ बनाना। कितने फ्रेंड्स ने बनाना लिए होंगे, कितनों को मिले होंगे? चलो देखते हैं कैसे करते हैं। एज यू नो दिस कैन बी फाउंड बाय अकाउंटिंग फॉरवर्ड फ्रॉम 13। हम 13 से फॉरवर्ड करके कर सकते हैं ना। इट इज इजियर टू काउंट इन टर्म्स ऑफ 10। अगर हमें आगे जाके फॉरवर्ड जाके हुए काउंट करना है तो हमें 10-10 का जंप लेके कर सकते हैं, राइट? यू कैन ऑल्सो यूज किटू जोम शॉन एंड पेज 29 टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमने किटू के होम में किया था ना, जंप लगाते हुए काउंट करते हुए आगे जा रहे थे, राइट? याद है वो पूरा उसका नंबर साला घर था, यस? चलो अब इसे यहाँ पे करते हैं। देखो पिक्चर में क्या है, 13। हमें क्या करना है, 13 बनाना जो उसके पास बचे हैं तो हम 13 से जंप लगाते हुए जाएंगे। टोटल 48 बनाना थे उसके बाद उसके पास, तो 13 से 10 जंप लगाओगे तो 23 आएगा। 23 से वापस 10 जंप लगाओगे तो 33 आएगा। फिर वापस 10 जंप लगाओगे तो 43 आएगा। फिर 43 में कितने जंप लगाओ तो 48 आएगा। 5 का जंप लगाएंगे तो 48 आएगा। मैंने आपको नंबर ट्रिक्स सिखाई थी ना, वन्स का जंप, टूज का जंप, फिर 5 टेन्स था ना, फर्स्ट चैप्टर में ही था। ओके, तो अब इसने कितने जंप लगाए? देखो 10 का एक, फिर दूसरा 10 का, फिर तीसरा 10 का, फिर 5 का। तो करो टोटल क्या होता है, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 10 सॉरी 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 5 35। अब तो क्या हुआ, उसने 35 डिस्ट्रीब्यूट किए बनानास। तो 48 में से डायरेक्ट 13 माइनस करोगे तो भी 35 आएगा, और जंप लगा के करो तो भी 35 आएगा। नाउ वी लर्न नेक्स्ट एग्जांपल्स। लुक एट द बोर्ड, हियर इज A, 56 माइनस 37। अब हमारा लास्ट ये वाले नंबर से हम जंप लगाना स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो 37 से 10 का जंप लगाओ तो 47 में पहुंचोगे। अब हमें क्या चाहिए, 56। तो 47 से 10 का जंप लगाओगे तो 57 पे पहुंचोगे। बट वी हैव 56, हमारे पास 56 नंबर है, तो हमें क्या करना है, वन नंबर हम पैर हो जाएंगे, 57 से एक नंबर पीछे आ जाएंगे तो होगा 56। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो 47 से
फिर राजस्थान का है, फिर वन का रिवर्स ही है तो हम लेंगे माइनस वन आएगा। तो अब आंसर क्या है, टेन प्लस टेन ट्वेंटी, ट्वेंटी माइनस वन नाइनटीन, क्या आएगा हमारा आंसर नाइनटीन, मतलब फिफ्टी सिक्स माइनस थर्टी सेवन इज नाइनटीन, राइट। चलो मैं आपको यहाँ पे वो कैलकुलेशन आप सब्ट्रैक्ट वाला करके दिखा दूँ। अगर आपको ओरली जानना है फिंगर्स पे काउंट करके भी कर सकते हो। देखो सिक्स में से सेवन का टेन होगा तो फोर करेंगे यहाँ से सिक्सटीन, और यहाँ पे फोर, सिक्सटीन में से सेवन कट करो, चलो एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन, कितना आया नाइन, और फोर में से थ्री कट करो वन आया नाइनटीन, ये भी नाइनटीन। ये इजी मेथड है, ये आपको बोरिंग वाला आपको टफ लगता है तो ये ड्रॉ करके कर सकते हो, मेंटली भी कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे काउंट करके फिंगर पे करते हैं जैसे। चलो नेक्स्ट रीजन, सिक्सटी माइनस फोर्टी फाइव, सिक्सटी में से मैं फोर्टी फाइव कट कर रहा हूँ तो हम फोर्टी फाइव से स्टार्ट करेंगे। चलो कैसे करते हैं देखो, जंप लग रहा है फिफ्टी तक, मतलब फाइव का जंप, फिर हमने डायरेक्ट हमारा सिक्सटी है तो फिफ्टी से सिक्सटी ले लिया तो ये हुआ टेन का जंप। अब इस दोनों को ऐड करो, फाइव प्लस टेन इज फिफ्टीन, अब तो क्या होगा सिक्सटी माइनस फोर्टी फाइव, तो हमें क्या मिला ये दोनों, हमने जो माइनस किया ना तो ये आंसर हमारा फिफ्टीन, राइट। अब इसको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, सिक्सटी माइनस फोर्टी फाइव, जीरो माइनस फाइव नॉट पॉसिबल, बोरो फ्रॉम देयर से यहाँ पे टेन और यहाँ पे फाइव, टेन में से फाइव कट करो फाइव, फाइव में से फोर कट करो वन आया ये फिफ्टीन। नाउ नेक्स्ट एट्टी माइनस फिफ्टी नाइन, ठीक है देखो क्या है, एटी में से फिफ्टी नाइन कट करना है, हम फिफ्टी नाइन से स्टार्ट करते हैं फिफ्टी नाइन, फिर टेन टेन का जंप होता है ना तो वो इजी रहता है, तो फिफ्टी नाइन के बाद वन जंप लो तो सिक्सटी आता है, सिक्सटी के बाद टेन का जंप लो तो सेवनटी, वापस टेन का जंप लो तो एटी, हमारा लास्ट नंबर एटी है तो एटी तक ही हम जंप लेंगे। चलो क्या हुआ वन प्लस टेन प्लस टेन, ये वन हम यहाँ लेंगे ये टेन का जंप, ये टेन का जंप, चलो उसको एड करते हैं, वन प्लस टेन इज इलेवन, इलेवन प्लस वन टेन ट्वेंटी वन, तो हमारा आंसर ट्वेंटी वन आएगा, एटी माइनस फिफ्टी नाइन मतलब ट्वेंटी। इसको क्रॉस चेक करके देखना है तो ऐसे समझे जो हमने किया है ऐसे आप करके देख सकते हो, एट्टी माइनस फिफ्टीन, चलो करो जीरो में से नाइन नहीं कर दूंगा तो टेन, बोलो क्या करने वाले सेवन, टेन माइनस नाइन वन, सेवन माइनस फाइव टू, ट्वेंटी वन है यस। नेक्स्ट है एट्टी फाइव माइनस सिक्सटी थ्री, तो हम सिक्सटी थ्री से स्टार्ट करेंगे, सिक्सटी थ्री से हमने सिक्सटी फाइव लिया क्योंकि फिर टेन टेन का जंप इसी रहता है, यहाँ पे टू का जंप किया तो सिक्सटी फाइव आया, फिर यहाँ टेन का जंप लो तो सेवेंटी फाइव आएगा, फिर टेन का जंप लो तो एटी फाइव आएगा, हमारा एटी फाइव लास्ट नंबर है तो एटी फाइव का करेंगे। चलो अब इसमें प्लस क्या करेंगे, टू प्लस टेन प्लस टेन तो कितना हुआ ट्वेंटी टू, अब ट्वेंटी टू हुआ तो ये माइनस करेंगे तो वी गेट एट्टी फाइव माइनस सिक्सटी थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी टू, इसको क्रॉस चेक करो, एट्टी फाइव माइनस सिक्सटी थ्री, फाइव माइनस थ्री इज टू, एट माइनस सिक्स इज टू, ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू आ गया, ऐसे आप इसे भी कर सकते। स्टूडेंट्स और नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 92, ऑल द किंग्स हॉर्सेस, यहाँ पे एक स्टोरी है किसकी, किंग की, ना काउंट करना नहीं आता था, सिर्फ नाइन तक वो काउंट कर पाता था, आपको आता है काउंट करना, यस मैडम, कहाँ आता है कितने तक आता है सिखाना, सेकंड में वन टू थाउजेंड आता है ना,
यस ना, वेरी गुड। चलो देखते हैं क्या करता है वो। वंस देयर वाज अ किंग हु कुड काउंट ओनली अप टू 9। एक किंग था जिसको 9 तक काउंट करना आता था। अप टू व्हाट नंबर कैन यू काउंट? आप कहाँ तक कर सकते हो? कर सकते हो ना? यस। द किंग लव्ड हॉर्सेस। किंग को हॉर्सेस बहुत पसंद थे, बट ही कुड नेवर काउंट ऑल ऑफ देम। लेकिन वो उनको काउंट नहीं कर पाता था। ही केप्ट देम इन सच अ वे दैट ही नीडेड टू काउंट ओनली अप टू 9 फ्रॉम ईच साइड। वो कैसे उनको अरेंज करके रखता था कि हर एक साइड से काउंट करे ना तो 9 आना चाहिए। इस साइड से करे तो भी 9, इस साइड से करे तो भी, डाउन से अप जाए तो भी 9 आना चाहिए। देखो पिक्चर में कैसे है, पजल के जैसा बॉक्स दिया गया है। ठीक है, हर एक बॉक्स में कितने हैं? 3 हॉर्सेस हैं, है ना? हाँ देखो, यस। तो अब हम उसको काउंट करके दिखाते हैं क्या है। देखो यहाँ पे 3 है, 3 + 3 + 3, और यहाँ पे 3, यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3। चारों साइड में 3 काउंट करें तो 3 + 3 = 6, 3 + 6 + 3 = 9। यहाँ से नीचे से करो तो 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9। यहाँ से करो तो 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9। ये वाली साइड करो तो 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9। हर एक साइड से वो 9 आने चाहिए, ऐसे उसने एरेंज किया हुआ। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी हॉर्सेस इन ऑल डिड द किंग हैव? किंग के पास कुल मिला के कितने हॉर्सेस थे? उसको तो 9 तक काउंट करना आता था। चलो हम देखते हैं। हाँ, उसको काउंट करके बता दें। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9। 9 है, फिर ये यहाँ पे यहाँ पे 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9। अगेन 10 9। अब बाकी ये दो बचे ना ऊपर नीचे वाले, 3 + 3 = 6। चलो अब इसको काउंट करें। 9 + 9 फिंगर पे करोगे कि बोले? चलो कर दें। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है ये, प्लस 6। अब 18 + 6 करो, 19 20 21 22 23 24। तो 24 टोटल हॉर्सेस थे किंग के पास, कितने थे? 24 हॉर्सेस। अब आगे क्या होता है। वन डे अ विजिटर विथ 4 हॉर्सेस केम देयर। एक विजिटर आया अपने 4 हॉर्सेस लेके। इट वॉज गेटिंग डार्क, शाम हो गई थी, रात हो गई थी। सो ही वॉन्टेड टू स्टे देयर एट नाइट। तो वो वहाँ पे रात को रुकना चाह रहा था। बट द हॉर्स कीपर वॉज स्केर्ड। लेकिन हॉर्स कीपर था ना जो घोड़े संभालने वाला, वो बहुत डर रहा था। इफ द किंग सो दीज एक्स्ट्रा हॉर्सेस ही वुड बी वेरी एंग्री। अगर किंग ने एक्स्ट्रा हॉर्सेस देख लिए ना तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। द विजिटर सेड, विजिटर ने क्या बोला? डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। द किंग विल नेवर नो, किंग को कभी पता नहीं चलेगा। सो ही अरेंज द हॉर्सेस लाइक दिस। तो उसने हॉर्सेस कैसे अरेंज किए? ऐसे कैसे किए? देखो बोर्ड पे 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2। क्यों किया? क्योंकि किंग को सिर्फ 9 तक काउंटिंग आता था। कितने तक? 9 तक। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9। फिर इस साइड से देखो, 2 + 5 = 7, 7 + 2 = 9। इस साइड से 2 + 5 = 7, 7 + 2 = 9, 2 + 5 = 9, 7 7। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। मतलब किंग आता है और चेक करता है तो हर साइड से उसको 9 9 मिलता है। अब कैलकुलेशन क्या करनी है? हाउ मेनी हॉर्सेस आर देयर नाउ? अब वहां पे कितने हॉर्सेस है? वो विजिटर स्मार्ट था, उसने अपने हॉर्सेस भी उसमें छुपा दिए। लेकिन उसने ऑरेंज का जो अरेंज करने का जो सिस्टम था ना, वो चेंज कर दिया। देखो यहाँ पे कैसे करते हैं।
चलो इसको काम करके दिखाते हैं। 9 प्लस 9 18 18 प्लस 10 रात को किंग आता था हॉर्सेस काउंट करने के लिए। अलोंग हिज साइड ही काउंटेड 9 हॉर्सेस। उसने अरेंज कर दिया था विजिटर ने, तो वो किसी भी साइड से काउंट कर रहा था तो 9 ही हो रहा थे। दैट्स फाइन, वो खुश हो गया। हाँ अब ओके, मेरे हॉर्सेस कहीं नहीं गए। देन ही हैप्पी वेंट टू स्लीप। वो खुश खुश होके वहां से चला गया सोने के लिए। ठीक है, चलो देखो पिक्चर में एक और पजल है, उसने दूसरी स्टाइल से बताया। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। 4 1 4 1 4 year 1 and year 4 चलो ये साइड काउंट करो तो 9, ये साइड काउंट करो तो 9, 4 प्लस 1 5 5 प्लस 4 9, ये वाली साइड काउंट करो तो भी 9, ये वाली साइड करो तो भी 9, लेकिन कितना होगा 28। 9 4 36 हो जाएगा ये तो, लेकिन ऐसे कहा हम काउंट कर रहे हैं 9 4 हम तो ये कर रहे हैं 9 प्लस 9 18 18 प्लस 2 20 20 हुए थे तो, लेकिन 24 हॉर्सेस थे इनके, तो हम इस टाइप से अरेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हमें उसके 24 हॉर्सेस दिखाने हैं। ठीक है, 4 1 4 1 4 1 and 1 4 यहाँ से काम करो तो 9, यहाँ से काम करो तो 9, यहाँ से काम करो तो 9, यहाँ से काम करो तो 9। अगर किंग आता है तो अपनी तरफ से वो काउंट 9 नहीं करेगा, बट यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो कितने हुए 9 2 18 18 प्लस 2 20 हुए, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है इसमें। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। इन द मॉर्निंग द क्लेवर विजिटर ट्राइड अनदर ट्रिक। सुबह होते उस विजिटर ने एक और ट्रिक आजमाई। देखिए क्या होता है। ही टुक आउट हिज ओन 4 हॉर्सेस। वो अपने उसने उस जो उस हॉर्सेस रखे थे ना साथ में, उसमें से अपने 4 निकाल लिए। बट ही ऑल्सो रेन अवे विद सम ऑफ द किंग्स हॉर्सेस। लेकिन वो और किंग के थोड़े हॉर्सेस भी लेके भाग गया। क्यों? क्योंकि किंग को काउंटिंग नहीं आता था। ही लेफ्ट द किंग्स हॉर्सेस स्टैंडिंग इन दिस वे। वो उसने क्या ट्रिक करी, उसमें से किंग के हॉर्सेस में से भी ले लिया, फिर इस वे से उसने अरेंज कर दिया, तो किंग जिस साइड से काउंट करे ना तो उसको 9 मिलेगा। देखो यहाँ से 4 प्लस 1 5 5 प्लस 4 9 4 प्लस 1 5 5 प्लस 4 9 4 प्लस 1 5 4 5 प्लस 4 9 यहाँ भी सब जगह से उसको 9 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9 सब जगह से उसको 9 9 ही दिख रहा था। लेकिन हम उसको काउंट करके दिखाएं तो कैसे होगा। देखो ये यहाँ से काउंट किया, ये हुआ 9, यहाँ से काउंट किया ये हुआ 9, बाकी ये दो बचे 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 9 प्लस 9 प्लस 2 है, 9 प्लस 9 18 18 प्लस 2 20, तो किंग के कितने हॉर्सेस बचे 20 बचे। देखो क्वेश्चन क्या है। द सिली किंग डिड नॉट फाइंड एनी हॉर्स मिसिंग, कैन यू हेल्प हिम। वो मिसिंग हॉर्स नहीं काउंट कर पा रहा था क्योंकि उसको काउंट ही नहीं आता था, तो उसने जिस तरीके से काउंट किया तो उसके तो हर साइड से 9 9 हो रहे थे, लेकिन क्या मिसिंग था 20 हॉर्सेस हो रहे थे। पहले कितने थे किंग के 24 थे, तो कितने लेके भाग गया विजिटर 4 हॉर्सेस लेके भाग गया। हाउ मेनी ऑफ द किंग्स हॉर्सेस वेयर टेकन अवे, कितने हॉर्सेस लेके गया 4 हॉर्सेस, बिकॉज देयर वर 24 हॉर्सेस थे उसके किंग के, तो 24 माइनस 20 करें तो 4 हॉर्सेस मिलेंगे। ठीक है, अब देखो किंग को इतना बड़ा लॉस हुआ। आप तो अच्छे से काउंटिंग सीख लेना,
कि आपको कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, फिर आगे जाके कहीं ऐसा लॉस ना हो जाए। करोगे ना अच्छे से मैथ्स का लर्न? वेरी गुड। चलो एक और पजल है, देखें हम क्या है। देखो हमारे पजल क्या है, व्हाट नंबर्स आर वी, हम कौन से नंबर हैं। इफ यू ऐड अस बोथ यू गेट 100, दोनों नंबर को आप ऐड करते हो तो 100 मिलता है। द डिफरेंस बिटवीन अस इज आल्सो 100, अगर दोनों को माइनस करते हो एक दूसरे में से तो भी 100 मिलता है। गेस करो कौन सा नंबर होगा जो 100 है।